हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स। और आप हैं इस वक्त हमारे शोरूम में, जहां पे आईडी कार्ड, लैमिनेशन और बाइंडिंग का सारा प्रोडक्ट्स और मटेरियल मिलता है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईडी कार्ड होल्डर्स के बारे में, और ये डिस्कस करेंगे कि कौन से होल्डर बनाने के लिए किस तरह की मशीन यूज़ होती है। पर ये पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहें। और अब बात करते हैं आईडी कार्ड होल्डर्स के टाइप्स के बारे में। जो पहला वैरायटी है ये है पेस्टिंग वैरायटी, जो दूसरा वैरायटी है इसे कहते हैं पीवीसी कार्ड वैरायटी, और तीसरी वैरायटी को कहते हैं ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होल्डर वैरायटी। तो जो पहली वैरायटी है इसे कहते हैं पेस्टिंग होल्डर। ये खड़े में, आड़े में, सिंगल साइड, डबल साइड, इनर आउटर, इस तरह के अलग अलग फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। और अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है समझने के लिए इनके साइजेस के बारे में, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.abhishekid.com पर, जहां आपको ये सारे प्रोडक्ट्स की इमेजेस भी मिल जाएंगी, उनका साइज भी मिल जाएगा। और अगर आपको वो 100-200 पीस सैंपल ऑर्डर करना है तो भी आप हमारी वहां वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई बल्क क्वांटिटी रहे 1000 या 2000 का, तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर फोन कॉल कर दीजिए। तो ये जो पेस्टिंग वैरायटी है ये कॉमनली यूज होती है स्कूल्स में, छोटे छोटे कॉलेजेस में, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये सस्ते होते हैं और ये मास मार्केट के लिए बने हैं। दूसरी वैरायटी है पीवीसी कार्ड होल्डर। ये जो वैरायटी है ये बनी है बड़े कॉलेजेस के लिए, बड़े एम्प्लॉयज के लिए, टीचर्स के लिए, फैकल्टी के लिए, कोई कोचिंग सेंटर के लिए, या फिर कोई बड़ी एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई एक बड़ा इवेंट हो रहा है उसके लिए ये पीवीसी वैरायटी यूज की जाती है। तीसरी वैरायटी हो गई ये क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट, ये जो लास्ट की दो लाइन है, ये सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है कोई बड़ी कॉरपोरेट आईटी कंपनी के लिए, कोई पेट्रोलियम कंपनी के लिए, जहां पर काफी सारे एम्प्लॉयज है और एम्प्लॉयज जो है बहुत ही पढ़े लिखे हैं, और उनको उनके बराबर एक आईडी कार्ड होल्डर दिया जाता है जो कि एक सुंदर हो दिखने में और थोड़ा क्लास दिखे, तो उन सब के लिए इस तरह का आईडी कार्ड होल्डर दिया जाता है। आप आईडी कार्ड होल्डर दे रहे हैं तो आप कस्टमर्स को अपना आईडी कार्ड टैग्स भी देंगे, और आईडी कार्ड के जो रिट्रैक्टर्स होते हैं, योयोज होते हैं, ये भी दिए जाते हैं। पर ये टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में आज हम सिर्फ आईडी कार्ड होल्डर के बारे में बात करेंगे। तो ये जो आईडी कार्ड होल्डर है ये ज्यादातर हमारे पास स्टैंडिंग डिजाइन के अंदर मिल जाएंगे, और सिंगल साइड और डबल डिजाइन के अंदर भी मिल जाएंगे। इसमें आपको स्टैंडिंग ओरिएंटेशन और स्लीपिंग ओरिएंटेशन दोनों ही में मिल जाएंगे, पर ज्यादातर मार्केट में स्टैंडिंग ओरिएंटेशन का ही यूज होता है। जो स्लीपिंग ओरिएंटेशन या फिर हॉरिजॉन्टल है वो थोड़ा मार्केट का चॉइस कम है। बट हमारे पास ऐसे होल्डर्स हैं, कई सारे डिजाइन ऐसे हैं जिसमें आप खड़े में और आड़े में दोनों में ही होल्डर सप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये और ये वाला मॉडल है, या फिर ये वाला मॉडल है, तो इसमें खड़ा और आड़ा दोनों ही आप बना सकते हो। और अब बात करते हैं कि इन सारे तीन वैरायटी के जो होल्डर्स हैं इनकी इनके लिए कौन सी मशीन यूज करनी चाहिए ताकि आईडी कार्ड इसमें बनाया जा सके। तो सबसे पहला है पेस्टिंग आईडी कार्ड होल्डर। तो जो ये पेस्टिंग आईडी कार्ड होल्डर है ये एक स्टिकर टाइप आईडी कार्ड होल्डर है, इसे स्टिकी आईडी कार्ड होल्डर भी कहते हैं। और इसके लिए हमें यूज करनी है ये कोल्ड लैमिनेशन मशीन। ये जो कोल्ड लैमिनेशन मशीन है ये आपको लैमिनेशन करने के लिए यूज करनी है, और प्रिंट करने के लिए कोई भी इंकजेट प्रिंटर यूज कर लीजिए। फोटो स्टिकर यूज करने के बाद में आप अपना जो कोल्ड लैमिनेशन है वो इस कोल्ड लैमिनेशन आप करना चाहते हैं, स्टिकर लैमिनेशन करना चाहते हैं, वो आप इस मशीन के थ्रू करेंगे। इस मशीन में जो रॉ मटेरियल लगने वाला है लैमिनेशन का वो कुछ इस तरह दिखता है, वो इस तरह का ऐसा कोल्ड लैमिनेशन का रोल होता है, ये इस तरह से दिखता है। ये रोल कट के आपकी फोटो स्टिकर शीट के साथ में इस मशीन के अंदर जाएगा, और इस मशीन से जो A4 साइज का प्रिंट निकलेगा वो आप इस रोटरी कटर के अंदर कट करेंगे। इस रोटरी कटर के अंदर आप उसे कट करने के बाद में इस डाई कटर में आप उसे काटेंगे, तो उससे आपका पेस्टिंग आईडी कार्ड का जो आईडी कार्ड का स्टिकर है वो बन जाएगा, और आप उसे अपने आईडी कार्ड होल्डर में चिपका देंगे। थोड़ा मैंने काफी सारी चीजें आपको एक साथ बताई है, थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेट लग सकता है। फ्यूचर में जैसे ही मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा मैं आपको एक पूरा करके भी दिखा दूंगा, ताकि आपको और बेटर आइडिया आ जाए। अब हम बात करते हैं दूसरी वैरायटी, जो कि है पीवीसी कार्ड वैरायटी। पीवीसी कार्ड वैरायटी का मैंने पूरा A to Z एक टोटल डेमो इससे पहले भी बनाया था, उस डेमो का नाम था एपी फिल्म। ये जो एपी फिल्म है इससे आप इस तरह के आईडी कार्ड बना सकते हो। ये कोई ज्यादा लागत नहीं लगती इस कार्ड को बनाने में, इसमें आपको बस 4 से 5 रुपए में एक कार्ड बन जाता है। ये
वाटरप्रूफ कार्ड है, इसको कितना भी बेंड कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लैमिनेशन आसानी से खुलता नहीं है ये। इसको आप अच्छी थिकनेस एंड हैवी थिकनेस दोनों में ही बना सकते हो। ये ज़्यादा थिकनेस का कार्ड है, ये कम थिकनेस का कार्ड है, और ये इसे हम PVC आईडी कार्ड कहते हैं, और ये बनता है AP फिल्म से। AP फिल्म का जो पैकेट है दो साइज में आता है, 4x6 और A4, और उसे आपको फर्स्ट क्या करना है, कोई भी इंकजेट प्रिंटर जैसे L3110 है उसमें आपको इस तरह से ये फ्रंट एंड बैक प्रिंटआउट निकालना है, फ्रंट एंड बैक प्रिंटआउट निकालना है। शायद यहाँ पे ये फ्रंट एंड बैक निकाला होगा मैंने, खैर आपको यहाँ इस वक्त ये वाइट है बट आप यहाँ पीछे भी प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। फिर आपको इस तरह से ये लैमिनेशन पाउच में डालना है और इस लैमिनेशन मशीन में फीड करना है, उसके बाद में इस रोटरी कटर में डालना है। रोटरी कटर में डालने के बाद, लैमिनेशन करने के बाद इस तरह से लंबी लंबी चिड़ियाँ बन जाएंगी इसकी। उसके बाद में इसको इस डाई कटर में डालना है, लैमिनेशन करा हुआ, तो आपका इस तरह से डाई कट होके कार्ड बन जाएगा। तो इस तरह से ये AP फिल्म जो है पूरा काम करता है, और ये जो PVC वैरायटी का क्वालिटी इसमें बनता है। तो इससे हमारा सेकंड वैरायटी कंप्लीट हो जाता है आईडी कार्ड का, जो कि है PVC वैरायटी ऑफ आईडी कार्ड होल्डर। तीसरा वैरायटी है हमारा ट्रांसपेरेंट आईडी कार्ड होल्डर। ये जो है इसके अंदर भी आप चाहो तो AP फिल्म डाल सकते हो। AP फिल्म इसके अंदर भी आप डालेंगे तो शानदार लुक आएगा, अच्छा लुक आएगा, और कोई कस्टमर को कंप्लेन नहीं रहेगी। बट क्योंकि ये तीसरा वैरायटी है और ये IT कंपनीज को दे रहे हैं, आप और भी ज्यादा हाई क्वालिटी करना चाह रहे हो तो आप चाहो तो, मैं बता देता हूं आपको, एक मिनट, आप थर्मल प्रिंटर यूज कर सकते हैं। थर्मल प्रिंटर किस तरह से होते हैं? थर्मल प्रिंटर कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये इस तरह का एक थर्मल प्रिंटर होता है इवोलिस कंपनी का, आप ये परचेस कर सकते हो और इससे PVC कार्ड निकाल सकते हो। चाहो तो AP फिल्म यूज कर सकते हो, चाहो तो ये थर्मल भी यूज कर सकते हो, इससे और ज्यादा हाई क्वालिटी आएगी। तो इससे आपका तीसरी वैरायटी का आईडी कार्ड होल्डर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको बताने के लिए कि किस किस तरह के आईडी कार्ड होल्डर होते हैं, किस किस तरह की मशीनरी उसमें यूज होती है। आगे आने वाले फ्यूचर में मैं आपको एक और डिटेल डेमो बना दूंगा कि किस तरह से पेस्टिंग आईडी कार्ड होल्डर बनाना है, पर अभी के लिए मैंने आपको ये AP फिल्म का जो ऑलरेडी डेमो, मेरे वीडियोस बने हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो PVC कार्ड कैसे बनाना है आपको पता है फॉर सेकंड वैरायटी। ये थर्ड वैरायटी है ट्रांसपेरेंट होल्डर की, इसके लिए भी PVC कार्ड कैसे बनाना है वो है AP फिल्म का तरीका, उसका वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बन जाएगा, मिल जाएगा। तीसरा, इसके अंदर आप थर्मल कार्ड भी डाल सकते हो, थर्मल कार्ड कैसे प्रिंट किया जाता है उसका भी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का आप एरो बटन दबाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा और उसके अंदर आपको लिंक्स मिल जाएंगे AP फिल्म का और थर्मल प्रिंटर का, आप वो एक बार देख लीजिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आईडी कार्ड होल्डर्स के बारे में बताने के लिए। और अगर आप कुछ और दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं, प्रोडक्ट समझना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, हम वो उसे नोट कर लेंगे और आने वाले टाइम पे जैसे भी वक्त मिलेगा हम उसका भी एक वीडियो बना के आपके लिए भेज देंगे। और अगर आप चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में होता यह है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें, अपडेट्स उसके अंदर डालते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं वो वहाँ से आपको पता चलती रहेगी, और जो बड़े वीडियोस हैं जिससे आपको और ज़्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो आपको यूट्यूब सब्सक्रिप्शन पे दिखता रहेगा। सो अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो उसे कमेंट पे टाइप कर दीजिए, और कोई भी दूसरे डाउट्स हों तो हमें व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप ज्वाइन करके क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।